अरे सर सर सर, मेरा जल्दी से रिजल्ट चेक करो, क्या मैं पुलिस वाला बन गया? अरे अरे रुक तो जाओ, मुझे चेक तो करने दो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, जल्दी बताओ। अरे रुक जाओ बच्चे, लोड हो रहा है। ये फ्रैंकलिन, अरे ये क्या बच्चे, तुम तो पास हो गए, बताइए बच्चे। क्या मैं पास हो गया, इसका मतलब मैं पुलिस ऑफिसर बन गया? हाँ बच्चे, तुम पुलिस ऑफिसर बन चुके हो, जाओ अंदर पुलिस के कपड़े पड़े, जल्दी जाके पहन लो। अरे थैंक यू सर, जल्दी चलो। टकले अंकल, अब मैं भी पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, चलो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और बन जाते हैं खतरनाक सा पुलिस ऑफिसर। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो मैंने पहन लिए पुलिस वालों के कपड़े और कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया लड़के, तुम बन चुके हो पुलिस ऑफिसर, अब जाओ और लॉस सैंटोस की रक्षा करो। ओके सर, चलो गाइस सर फटाफट से चलते हैं, हम बन चुके हैं खतरनाक से पुलिस ऑफिसर, अब हम जाके लॉस सैंटोस की रक्षा करेंगे। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं। हे लड़के रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल, मैं भी पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, अब मैं भी पुलिस की गाड़ी चला सकता हूँ। इतनी आसानी से नहीं बच्चे, तुम अभी अभी पुलिस ऑफिसर बने हो। नहीं नहीं पुलिस ऑफिसर, ये वाली गाड़ियाँ नहीं चला सकते। क्या नहीं चला सकते, ये क्या मतलब हुआ? तुम अभी अभी नए पुलिस ऑफिसर बने हो, तुम धीरे धीरे करके इस गाड़ी तक आओगे। अरे तो अभी मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी? आ जाओ दिखाता हूँ। आया बड़ा, आते ही पुलिस की गाड़ी चलानी है इसको, आओ मेरे पीछे। तो कैसर, अभी ये ऑफिसर मुझे लेके जा रहा है और मैं यार ये पुलिस वालों की कार नहीं चला सकता, मुझे कोई और सी व्हीकल मिलने वाली है। मुझे लगता है कोई खतरनाक सी सुपर कार मिलेगी, सुपर कार वो भी पुलिस वाली, बहुत ही खतरनाक। ये ले तुम्हारी गाड़ी, जाओ उसमें। क्या ये, अबे ये फटफटिया चलाऊंगा मैं? बच्चे अभी तो तुम्हें फटफटिया ही मिलेगी, चाहिए तो लो वरना निकलो ऐसे। अरे नहीं नहीं चाहिए, पर मुझे वो पुलिस वाली कार कब मिलेगी? बच्चे जैसे जैसे तुम्हारा प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें नई नई गाड़ियाँ मिलेगी। अभी तुम सबसे लो लेवल के पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें फटफटियाँ मिलेगी। जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे नई गाड़ी मिलेगी। अच्छा तो फिर ये प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन लेने के लिए तुम्हें लॉस सैंटोस में क्राइम रोकने पड़ेंगे, पुलिस वालों जैसा काम करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्राइम रोकोगे उतना जल्दी प्रमोशन होगा। तो जाओ लॉस सैंटोस को एक अच्छा शहर बनाओ, फिर तुम्हारा प्रमोशन होगा। ओके सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ लॉस सैंटोस में क्राइम जाके रोकने के लिए, ताकि मुझे सबसे खतरनाक पुलिस की व्हीकल मिल जाए। पर अभी अभी मुझे ये फटफटिया मिल चुकी है, चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं और लॉस सैंटोस में क्राइम रोकते हैं। हट जाओ, पुलिस ऑफिसर फ्रैंकलिन आ रहा है। आखिरकार मैं पुलिस में तो चला गया, पर मुझे अभी भी एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनना है जिसके पास बहुत खतरनाक पुलिस की सुपर कार हो। चलो फटाफट से क्राइम रोकते हैं। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये चोर मेरा बैग लेके भाग रहे हैं। क्या चोरी, वो भी मेरे होते हुए? रुक जा साले चोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आंटी अब टेंशन मत लो, मैं आपका पर्स ला के दूंगा। रुक जा चोर, रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा पुलिस वाले। अबे चोर के बच्चे रुक जा, आज मैं देखो कैसे भी करके पकड़ के रहूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो बहुत ही तेज भाग रहा है। रुक जा, ये ले, इस चोर को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसने उस आंटी का पर्स चुराया था। दे पर्स वापस दे, मेरे होते हुए लॉस सैंटोस में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो कहे सर, अभी मैंने एक चोरी होने से रोक दिया है, उन आंटी का पर्स उस चोर ने चुरा लिया था, पर मैंने वो पर्स वापस ला दिया है। चलो फटाफट से आंटी को उनका पर्स दे देते हैं। आंटी आंटी ये लो आपका पर्स। अरे पुलिस वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मेरा पर्स ही चोरी हो जाता। अरे कोई बात नहीं। तो कहे सर, अभी हमने उस चोर को पकड़ लिया है, अभी हम उसको जेल लेके जाने वाले। चलो फटाफट से बाइक पे बैठते और उसको जेल लेके चलते हैं, क्योंकि जो भी चोरी करेगा उसको मार तो हमने दिया पर उसको जेल में डालना भी जरूरी, तो फटाफट से जेल में लेके चलते हैं। तो कहे सर, अभी आप देख सकते हो इस चोर को हमने अपने साथ बिठा लिया है, ये अभी भी बेहोश हो रखा है, पुलिस स्टेशन लेके चलते ताकि हम इसको जेल में बंद कर पाए। और कहे सर, उन ऑफिसर ने मुझे बोला था जैसे ही मैं अपना पहला क्राइम रोकूंगा लॉस सैंटोस में, मुझे अपनी नई गाड़ी मिलने वाली है। तो फटाफट से पता करते हैं हमें कौन सी गाड़ी मिलने वाली है और उसको जेल में डालते हैं। तो कहे सर, अब इस चोर को हम लेके आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। ऑफिसर ये देखो, मैं ये चोर ले आया और मैंने अपना सबसे पहला क्राइम भी रोक दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने अपना सबसे पहला क्राइम रोक दिया है और तुम होते हो अगले पुलिस ऑफिसर में प्रमोट, इसलिए तुम्हें एक खतरनाक सी ट्रक मिलने वाली है, पुलिस ट्रक। क्या पुलिस ट्रक, अरे मुझे पुलिस की कार चाहिए थी, ये कौन सी ट्रक है? ये ट्रक सारी की सारी बच्चों के खिलौने से बनी हुई है, आज से तुम इसको चलाओगे।
क्या बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी? अरे कैसर, अभी आप देख सकते हो ये गाड़ी कितनी ज्यादा अजीब है कि पूरी की पूरी गाड़ी बच्चों के खिलौने से बनी हुई है। चलो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हमें ये खतरनाक सी पुलिस ट्रक यहाँ पर मिल चुकी है। अगला क्राइम जब रोकोगे तब अगली गाड़ी मिलेगी। ओके सर, बाय बाय। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हमें एक खतरनाक सी पुलिस ट्रक मिल चुकी है जो कि बच्चों के खिलौने से बनी हुई है। मुझे लगता है ये लेगो से बनी हुई है सारी की सारी ट्रक। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त है। पर कैसर, पुलिस की सुपर कार का मजा अलग ही होता है, इसलिए हमें कैसे भी करके पुलिस की सुपर कार चाहिए। और आपको बता दूं कि पुलिस की सुपर कार्स में लैम्बोर्गिनी हो सकती है, मैक्लारेन और भी बहुत तरह तरह की फरारी और ये सुपर कार्स होती है जो कि हमें आज कैसे भी करके चाहिए। तो फटाफट से लॉस सैंटोस में और भी क्राइम रोकते हैं। तो कैसर, अभी मैं इस खतरनाक सी पुलिस ट्रक में घूम रहा हूँ और मुझे पता चला यहाँ पर कुछ दंगे वंगे चल रहे हैं। अरे यहाँ पर तो सही में दंगे चल रहे हैं। ये देखो कैसे गाड़ी लेके घूम रहा है, इसकी तो ऐसे की तैसे ये ले। एक सेकंड, मेरी ट्रक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसको मार पाए? पीछे से ऑर्डर करिए, पीछे से और आदमी भी आ रहे हैं, मुझे उतर के मारना पड़ेगा इन सबको। तुम्हारी तो ऐसे की तैसी, ये ले सबसे पहले इसको मारेंगे, तू निकल यहाँ से। अबे ये ट्रक के ऊपर चढ़ के क्यों मार रहा है मुझे? ये ले, ये सब के सब ट्रक के ऊपर चढ़ के मार रहे हैं, इनको ढंग से मारना पड़ेगा। तेरी तो ये ले, मुझे इन सबको लॉस सैंटोस में गोले चलाने से रोकना पड़ेगा वरना पूरा लॉस सैंटोस खत्म कर जाएंगे। रुक जाओ, मेरी आरपीजी का है। 3, 2, 1, बूम। एक गया, ये दूसरा भी गया, मैं भी गया। तो कैसर, दो ट्रक तो मैंने उड़ा दिए, अब ये तीसरी ट्रक बची है, इसको उड़ाएंगे। पर इसको उड़ाते पहले ही और ये तीसरी उड़ गई। अब सिर्फ एक और ट्रक बची है जो कि अभी सामने से आ रही है और इसको थोड़े अलग तरीके से हम उड़ाने वाले। इसके ऊपर फेंकेंगे बम, कैच कर बूम, और इसको भी हमने उड़ा दिया और सबको खत्म कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ मैंने कितनी ट्रक उड़ाई, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5-5 ट्रकों से भरे भरे टेररिस्ट आए थे, उन सभी को हमने मार दिया और लॉस सैंटोस को एक और बार बचा लिया है। और प्रूफ के लिए मैं इनमें से दो ट्रक को टो करके जाने वाला हूँ। अपने पास एक खतरनाक सी ट्रक है तो इससे आराम से टो भी कर लेंगे। अरे फायर ब्रिगेड वाले अंकल, कहाँ रहे हो? चलो फटाफट से टो करके इनको लेके चलते हैं। तो कैसे, जो वो गुंडे थे उनकी दोनों की गाड़ियां मैंने अपने टो ट्रक के पीछे लगा दी है और ये पुलिस वाली ट्रक हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। चलो इसको फटाफट से लेके चलते हैं और अपनी अगली गाड़ी देखते हैं कौन सी होने वाली है। क्या वो एक लैम्बोर्गिनी होगी या फिर वो एक खतरनाक सी सुपर कार होने वाली है? कौन सी सुपर कार होगी वो तो पता चली जाएगा। चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं वापस से पुलिस स्टेशन। ऑफिसर, मैंने अपना अगला क्राइम भी रोक दिया, पूरे लॉस सैंटोस को 2-2 बार बचाया खतरनाक गुंडों से, और मैं आपके लिए प्रूफ भी लेके आया हूँ। ये देखो उन गुंडों की गाड़ी। बहुत अच्छा ऑफिसर, तुमने अपना अगला क्राइम भी सॉल्व कर दिया, तुम होते हो फिर से प्रमोट और तुम्हें मिलने वाली है खतरनाक सी पुलिस की कार। और कैसर, आप देख सकते हो आखिरकार कोई ऑफिशियली मुझे पुलिस की कार मिल, लॉस सैंटोस स्टेट पुलिस सर्विंग सिंस 1868, आखिरकार मुझे ऑफिशियल कार मिल चुकी है। और सिर्फ कार ही नहीं, तुम्हें तुम्हारे खुद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे। बॉयज, ये लो तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी, तुम इन सब के साथ रह सकते हो। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हमारे साथ कितने सारे लोग और जुड़ चुके और इनके सबके पास कितने खतरनाक खतरनाक गन है। चलो फटाफट से अपने बैठते खतरनाक सी पुलिस वाली गाड़ी में और ये सब लोग भी बैठने वाले, जल्दी जल्दी बैठो, इतने सारे लोगों के लिए इसमें जगह भी होगी क्या? वो भी पता चली जाएगा। आते जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। और ये सभी लोग बैठ चुके हैं और अभी 3 जने पीछे छुड़ी होगी, इतनी सारी सिक्योरिटी। कोई बात नहीं, हमारे पीछे आते जाओ धीरे धीरे। मेरी बात सुनो ऑफिसर, अगला क्राइम तुम जो भी रोको वो कुछ खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि जो अगली गाड़ी तुम्हें मिलने वाली है वो बहुत ही खतरनाक है। क्या सही में? ओके ऑफिसर, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ खतरनाक सा क्राइम रोकूंगा। तो कैसर, अभी मैं ये खतरनाक सी ऑफिशियली पुलिस वाली कार ही मिल चुकी है। आप देख सकते हो इसमें पुलिस के सारे सायरन है, इसमें अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप है, जहाँ पर भी चोरी हो रही होगी हमें पता चल जाएगा। और ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे पुलिस ऑफिसर ने हमें बोला है कि जो अगली गाड़ी होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है।
तो इस बार हमें कोई अच्छा सा क्राइम रोकना पड़ेगा लॉस सैंटोस में होने से। चलो फटाफट से ढूंढते हैं कहां पर हमें क्राइम मिलने वाला है। एक सेकंड, मेरे मैप में कुछ आ रहा है, इस लैपटॉप में कुछ तो दिखा रहा है। चलो फटाफट चलते हैं, लगता है मुझे अपना क्राइम मिल गया, आ रहा हूं मैं। तो कैसर, अभी अभी मुझे पता चला लॉस सैंटोस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेन हाईजैक चल रहा है। कुछ खतरनाक गुंडों ने तीन तीन प्लेन को हाईजैक कर लिया है और साथ में चार चार लिमोजीन भी, और वहां पर उन गुंडों की पूरी आर्मी है। और कैसर, अभी हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, पर मैं सीधा सामने जाके उनको मार नहीं सकता, क्योंकि यार उनके प्लेन और लिमोजीन में डैमेज हो सकता है, और वो अगर हमने किया तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, वो हम करना नहीं चाहते। इसलिए मैं और मेरे सारे के सारे साथी सीढ़ियों से इनके ऊपर अटैक करने वाले। तो सबसे पहले हम चढ़ेंगे ऊपर, फिर इनके ऊपर हमला बोलेंगे। चलो फटाफट से ऊपर चढ़ते, हमें दुनिया का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनना है, और सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक भी प्लेन और एक भी लिमोजीन को डैमेज नहीं करना। और अभी हम सबसे ऊपर आ चुके और मेरे सारे सारे गार्ड्स भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और आप देख सकते हो नीचे कितने सारे लोग खड़े, पूरे के पूरे गुंडों की उनकी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। पर आर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हम इन सबको घर बेच के रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्नाइपर निकालेंगे, और जितने लोग मुझे यहाँ से दिखने वाले उन सबका मैं खोपड़ा खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, तो इसको मारते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कैसर, अभी मैंने 10 जनों को मार दिया, पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और उन सबको पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए हम डायरेक्ट हमला करने वाले हैं। चलो चलते हैं। मैं कहाँ गिर गया? मेरे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार हो जाओ, हम इनके ऊपर डायरेक्ट हमला करने वाले। चलो फटाफट से हमला करते है। ये लो, ले ले ले, ये लो, ये लो, ये लो, सबको मार दूंगा, ये लो। मेरे को बस ध्यान दे रहे कि मैं किसी प्लेन या फिर लिमोजिन को मार दूं। जल्दी जल्दी सबको मारते हैं, ये लो। क्या यहाँ पर और कोई बचा है? ये लो, सबको मार दिया। और कैसर, अभी यहाँ पे मेरे सिक्योरिटी वाले भी आ चुके, और यहाँ पर हमने सबको खत्म कर दिया है, और यहाँ पर हमने सारे के सारे गोल्डन जेट्स और चार चार लिमोजीन को बचा लिया है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे सारे जेट्स और लिमोजीन को कुछ नहीं होने दिया। तुम एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर हो। थैंक यू सर। तो कैसर, ये जो सारे के सारे चीजें थी वो तीन मिलिट्री ऑफिसर की, और हमने एक भी चीज में स्क्रैच भी नहीं आने दिया, और सारे गुंडों को मार भी दिया। ऑफिसर, क्या तुम अपनी अगली कार के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इनकी अगली कार मंगाई जाए। अपने पीछे देखो बच्चे। मेरे पीछे? अरे कैसर, ये कौन सी कार है? ये तो कोई बहुत ही खतरनाक कार लग रही है। तो कैसर, आखिरकार मैं उधर तक पहुंच गया जहां पर मुझे पुलिस की सुपर कार्स मिलना शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हो ये गाड़ी कितनी खतरनाक है। थैंक यू सर। बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है, लॉस सैंटोस में और क्राइम संभालो, तुम्हें और भी बहुत सारी सुपर कार्स मिलेगी। ओके सर, आप टेंशन मत लो, मैं लॉस सैंटोस के सारे क्राइम खत्म कर दूंगा। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो ये मुझे खतरनाक सी पुलिस की सुपर कार मिल चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कार बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब मैं किसी चोर को भागने में नहीं दूंगा, सीधा जाके उनको पकड़ने वाला हूँ। और उन्होंने मुझे बोला है कि इसके बाद तो और भी खतरनाक खतरनाक कारें मिलने वाली है। ये इतनी ज्यादा फास्ट है, इसके बाद जो भी गाड़ियां मिलेगी वो कितनी ज्यादा फास्ट होने वाली है। बस वो सोच सोच के मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ। इसकी स्पीड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फास्ट। अभी आप देखो ये 120, ये 130, 140, 150, और ये बहुत ही तेज जा रही है गाड़ी। तो इतना तो सामने रोड भी नहीं कि मैं इसका स्पीड टेस्ट कर पाऊं, पर ये 160 तक तो आराम से जा पा रही है छोटे छोटे रोड पर ही। जो सबसे लास्ट में हमें गाड़ी मिलेगी उसका स्पीड टेस्ट करेंगे, देखते हैं वो कहां तक जाती है। और ये वाली तो 190 तक आराम से पहुंच चुकी है। तो कहा सर, स्पीड टेस्ट तो चलता रहेगा, पर अभी हमें लॉस सैंटोस में क्राइम रोकने, ताकि हम अपनी अगली गाड़ी ले पाए। चलो फटाफट से और भी लॉस सैंटोस में क्राइम रोकते हैं, और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट पुलिस कार अपने नाम करते हैं। तो कैसर, अभी यार इतनी देर हो चुकी है और लॉस सैंटोस में कोई भी क्राइम नहीं आया है, तो मैं जाके ऑफिसर से बात करने वाला हूँ, क्या मुझे फ्री में कार देगा? अरे ऑफिसर, लॉस सैंटोस में कोई क्राइम ही नहीं हो रहा, मुझे ये लैम्बोर्गिनी दे दो ना, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। बच्चे, इतनी आसानी से तुझे लैम्बोर्गिनी नहीं मिलने वाली, तुझे लॉस सैंटोस में कोई बड़ा क्राइम रोकना पड़ेगा, तभी तुझे ये लैम्बोर्गिनी मिलेगी। तो कैसर, अगला
जो क्राइम हम रोकने वाले हैं उसके बाद हमें ये लैम्बोर्गिनी मिलने वाली है। और ये लैम्बोर्गिनी मतलब पुरानी लैम्बोर्गिनी है, पर पुरानी हो तो क्या हो गया, लैम्बोर्गिनी तो लैम्बोर्गिनी होती है, पुलिस की लैम्बोर्गिनी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। बस मुझे कुछ क्राइम का वेट करना कि कोई क्राइम हो। बस मित्रों मेरी बात सुनो मित्रों। अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर है, बोलिए क्या हो गया। सारे के सारे पुलिस वालों मेरी बात सुनो, मेरे चाचा की बहन के फूफा की बेटी किडनैप हो चुकी है, तो मित्रों तुम्हें उसे वापस लाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। क्या आपके चाचा की बहन के फूफा की बेटी किडनैप हो गई? हाँ मित्रों तुम्हें उसे जल्दी से बचाना पड़ेगा, जल्दी कुछ करो और उसे बचा के लाओ। प्राइम मिनिस्टर सर आप टेंशन मत लो, मैं उसे बचाऊंगा। मित्रों जल्दी जल्दी बचाओ, हमारे पास बहुत कम टाइम है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी उसको बचा के लेके आता हूँ। तो कहे सर अभी मुझे प्राइम मिनिस्टर के चाचा की बहन के फूफा की बेटी को बचाना पड़ेगा, जल्दी से चलते हैं उसको बचा के लाते। हमने प्राइम मिनिस्टर के चाचा की बेटी के फूफा के बच्चे को किडनैप कर लिया, अब जब तक हमें 100 मिलियन डॉलर्स नहीं मिलते हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ला 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 मिस कर दिया। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के चाचा की बेटी के फूफा के बच्चे को किडनैप किया है, हम उसे बचाने आ चुके हैं। और जब मैं यहाँ पर लैंड हो रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर सही में बहुत ही सारे लोग हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े, किसी ने बिल्कुल सोच समझ के बहुत ही तगड़ी वाली प्लानिंग करके उसको किडनैप किया है। और मुझे तो पता भी नहीं है कि उस बच्चे को रखा कहाँ पर है, ऊपर नीचे पानी में किधर, मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं फ्लेयर गन से पूरा धुआं धुआं करने वाला हूं ताकि इनको कुछ भी दिखाई ना दे, और इन फ्लेयर गन से मैं इन लोगों को जला भी सकता हूं। तो फटाफट सारा का सारा फ्लेयर गन फेंक देते। तो कहे सर अभी आप देख सकते हो हर जगह मैंने धुआं धुआं कर दिया, तो मैं इधर आराम से इन सबको मार सकता हूं, जो भी दिख रहा है इन सबको मैं मारता जाऊंगा। जल्दी जल्दी मारते हैं, ये लो ये लो। जिन जिन्होंने इनको किडनैप करके रखा है उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां पर घुस चुका हूं, वरना उस बच्चे को वो मार भी सकते हैं। तो मुझे एक एक हेडशॉट पे इन सभी को मारना पड़ेगा। एक सेकंड, ये गुड्डा तो उसी बच्चे का टॉय है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, वो इधर ही कहीं पे मुझे मिलने वाला ये गुड्डा उसी का टॉय है, तो मुझे जल्दी से उस बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। इधर है क्या, जल्दी जल्दी इन सभी को मारते जाते हैं। ये लो वो तो अच्छा है मैं सप्रेसर लगा के आया था, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा इनको मारते हुए। तो चलो यार फटाफट से टावर के ऊपर चढ़ते हैं, और हमें कैसे भी करके प्राइम मिनिस्टर के चाचा की बहन के फूफा के बेटे को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। उसके लिए टावर के ऊपर जाना पड़ेगा, और इन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को जो ये गुंडे लोग हैं जिन्होंने किडनैप किया है उन सभी को मुझे मारना पड़ेगा। चलो फटाफट से चढ़ते जाते हैं, ये ले निकल यहां से, इसको भी फटाफट से मारते हैं, इसको भी मारते हैं, इनमें से हम किसी को नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उस बच्चे को हमें कैसे भी करके बचाना है। और गाइस अगर हमने प्राइम मिनिस्टर का ये काम कर दिया तो हमारा प्रमोशन तो पक्का है। चलो फटाफट से इसको भी हमने मार दिया, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते जाते हैं, सबको मारते जाते हैं ताकि उस बच्चे को हम जल्दी से जल्दी बचा ले। जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर, कितनी सारी सीढ़ियां, मुझे समझ आ रहा ये टावर कितना ज्यादा बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा यार, मैं कितनी देर से चढ़े जा रहा हूं। जल्दी जल्दी चलो। तो कहे सर अभी लगता है मैं यहाँ पर ऊपर पहुंच चुका हूँ, और आप देख सकते हो वहां पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल ढंग से जाना चाहिए। यहाँ पर चार चार लोग है और वो बच्चा भी उधर ही है, मुझे बिल्कुल ढंग से मारना पड़ेगा, कहीं मैं बच्चे को नहीं मार दूं। ये और कैसर आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पर सभी को मार दिया है और इस बच्चे को भी यहाँ पर बचा लिया है। बच्चे तू ठीक तो है ना? पुलिस अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बचा लो। बच्चे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बचाने आ चुका हूँ। तो कैसर हमने इस बच्चे को बचा लिया है, अब फटाफट से वाटर स्लाइड से चलते हैं नीचे। और आप देख सकते हो हम निकल चुके हैं वाटर स्लाइड से, सीधा पानी में आ चुके हैं, बच्चा भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, तुमने अपना काम कर दिखाया और इस बच्चे को बचा लिया, तुम्हारा प्रमोशन पक्का, ये ना तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। अरे थैंक यू मोदी जी। तो कैसर आप देख सकते हो अभी हमें वो खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है, जो कि मैं सोच रहा था कि मुझे कब मिलेगी, और ये लैम्बोर्गिनी हमें मिल चुकी है। आखिरकार कोई तो पुलिस की सबसे खतरनाक सुपर कार हमें मिल चुकी है, आखिरकार पुलिस वाली लैम्बोर्गिनी हमें यहाँ
यहाँ पर मिल चुकी है। तो काइजर वैसे तो हमें पुलिस की लैम्बोर्गिनी मिल गई, पर काइजर ये सबसे खतरनाक पुलिस की कार नहीं है, इसके बाद एक और सुपर कार है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यार ये एक बहुत ही ज्यादा पुरानी वाली लैम्बोर्गिनी, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा पुरानी है, पर जो अगली सुपर कार होने वाली है वो बिल्कुल नई चमचमाती सबसे लेटेस्ट मॉडल होने वाला है लैम्बोर्गिनी का, और वो हमारा एंड गोल होने वाला है पुलिस की सारी कार्स का। तो फटाफट से एक और काम करते हैं और उस कार को भी अपने नाम करते हैं, ताकि हम बन जाए दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट पुलिस कार भी हमें मिल जाएगी। चलो फटाफट से चलते हैं। तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये चैलेंज तुम दोनों पुलिस वालों के बीच में होने वाला है, और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको मिलने वाली है ये चमचमाती लैम्बोर्गिनी, वो भी पुलिस वाली। क्या तुम तैयार हो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं बताता हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। स्टार्टिंग लाइन से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना है, सारी की सारी रिंग्स के बीच में से निकल के इधर लैंड करके वापस से रिंग्स के बीच में से निकल के ये सारा का सारा ऑब्स्टेकल क्रॉस करते करते जाना है इधर, फिर सारे ट्यूब से बचते बचाते खुदा के अपनी गाड़ी को इधर लैंड करके इस फुटबॉल को गोल के अंदर डालना है। जो भी गोल करेगा उसको ये लैम्बोर्गिनी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ये काला पुलिस वाला कभी पुलिस वाला नहीं बन पाएगा, मेरी गाड़ी ज्यादा अच्छी है। बात तो सही है, इसकी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, मेरी लैम्बोर्गिनी जो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, पर इसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा सुपर, बिल्कुल नए जमाने वाली कार है इसकी तो, मेरी बहुत ही पुराने जमाने वाली कार है, पर देखते हैं इसका क्या होने वाला। और इसने अपनी गाड़ी को टकराया, पर यहाँ पे बिल्कुल ढंग से लैंडिंग यहाँ पर कर ली है। तुम टेंशन मत लो, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाली हूँ। तो काइजर देखते हैं क्या ये लड़की सही में ये चैलेंज जीत के पुलिस ऑफिसर बन सकती है, या फिर ये हार जाएगी और मैं ये चैलेंज जीतने वाला हूँ। उसकी गाड़ी यहाँ पर गोल गोल घूमे जा रही है, क्या ये उधर तक पहुँच पाएगी? मैं पहुँच गई, मैं दुनिया की सबसे अच्छी ड्राइवर हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगी। हाँ, देखते देखते तो काइजर ये अपनी इस खतरनाक सी सुपर कार में ये चैलेंज जीत पाएगी, या फिर मैं अपनी पुरानी सी लैम्बोर्गिनी में जीतूंगा। अगर मैं पुरानी वाली लैम्बोर्गिनी में जीत गया तो उसके बाद मैं नई लैम्बोर्गिनी खरीद पाऊंगा। और ये आंटी चाहते हुए सीधा गोल की तरफ, और ये कहाँ जा रही है? अरे मुझे बचाओ, ये क्या हो गया मेरे साथ? और काइजर ये तो गोल से कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी नीचे? रुक जाओ, मेरे पास एक आईडिया है, यहाँ से मैं जाऊंगी। अरे मुझे बचाओ, ये क्या हो गया? और ये हो गई डिस्क्वालिफाई। लेडीज ऑफिसर होती है डिस्क्वालिफाई। अब देखते हैं तुम क्या करते हो, क्या तुम अपनी पुरानी लैम्बोर्गिनी में जीत जाओगे या फिर हार जाओगे? अरे ऑफिसर आप टेंशन मत लो, ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी तो मेरी होने वाली है। चलो फटाफट से अपनी पुरानी सी लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठते हैं, नई वाली मुझे कैसे भी करके चाहिए। ये देख सकते हो कितनी ज्यादा पुरानी पुरानी है, और ये ज्यादा तेज चलती भी नहीं है। वो वाली जो है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर वो बहुत ही ज्यादा तेज चलने वाली है। तो इसी देने के अपनी कार को भगाते हैं फुल स्पीड में और सीधा सीधा जंप करेंगे, एकदम बढ़िया लैंडिंग करेंगे। वो तो टकरा टकरा के लैंडिंग करी थी, वो तो यार पूरा घूम फिर के यहाँ पर आई थी, पर हम सीधा सीधा यहाँ पर आ चुके और सीधा सीधा इस रेस को जीतने भी वाले हैं। और ये टकरा गया मैं भी, पर आराम से हमने यहाँ पर लैंडिंग कर ली। सारे के सारे ऑब्स्टेकल से बचते बचाते हम जाने वाले हैं। सामने बड़ा सा पंखा, इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, और यहाँ पर बच गए। चलो फटाफट से खुदाते हैं अपनी कार को। और काइजर अभी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक खतरनाक ट्यूब पड़े, और ये आखिरी जंप है। इस जंप को अगर मैंने कर लिया तो वो लैम्बोर्गिनी मेरी होने वाली है। वहां पर जो फुटबॉल है उसको मुझे गोल करना है। तो काइजर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम निकल चुके हैं और फटाफट से अपनी खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी को खुदा लिया। क्या हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे? वो भी बस पता चलने वाला है एक सेकंड में। और ये पहुंच गए, और काइजर अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके, और इस फुटबॉल को डालते सीधा गोल के अंदर, और ये गोल। पुलिस ऑफिसर फ्रैंकलिन बहुत अच्छे, तुमने आज सारे के सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे लॉस सैंटोस में क्राइम रोके, और पहली बार ऐसा हुआ है एक ही दिन में किसी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी और एक ही दिन में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पुलिस कार भी ले ली। जाओ तुम्हारी लैम्बोर्गिनी तुम्हारा वेट कर रही है। थैंक यू सर। तो काइजर आखिरकार मुझे मेरी लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है। आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक वाली गाड़ी में मिल
चुकी है और ये सबसे लेटेस्ट लैम्बोर्गिनी है तो ये बहुत ही फास्ट चलती है। तो फटाफट से इसको लेके चलते नीचे और इसकी थोड़ा स्पीड टेस्ट कर लिया जाए। मैंने आपको बोला था कि जो सबसे खतरनाक कार हमको मिलेगी उसका हम स्पीड टेस्ट करेंगे, तो अभी वो बारी आ चुकी है स्पीड टेस्ट करने की। लेट्स गो, फटाफट से स्पीड टेस्ट करते हैं और हम बिल्कुल सही रोड पे भी आ चुके स्पीड टेस्ट के। और ये क्या 130, 140, 150, अरे तो बहुत ही तेज आ रही है, 160, 170, 180, 190, 200, पहुंचा 200 पहुंच गई और आगे तो रोड ही खत्म हो गया। कितनी ज्यादा जल्दी 200 पहुंची थी। एक और बार करेंगे, देखते हैं 100 और ये 150 पहुंच गए और देखते हैं क्या 200 कितनी देर में पहुंचेगी। मुझे बस आगे रोड पे ध्यान रखना है, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। 210, 216, 218, ये तो बढ़ती जा रही है पर सामने रोड फिर से खत्म हो गया। कुल मिला के ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पुलिस कार है जो कि हमें यहाँ पर मिल चुकी है, खतरनाक सी एवेंटाडोर, और हम बन चुके हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं कि वीडियो बराबर से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना, बैठ के मस्त मस्त बात करेंगे। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।